हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज हम खड़े हैं टोयोटा शोरूम में और हम आए हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की लॉन्च पे। ये गाड़ी आज ही लॉन्च हुई है 24 अगस्त 2022 को जोधपुर राजस्थान में और ये आप देख सकते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर आपको दो वेरिएंट में मिलेगी। एक होगा नियो ड्राइव और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कि हमारे सामने खड़ा है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे और आज मैं इसका आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियो के लिए। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में तीन मॉडल आएंगे जो कि है एस, जी और वी और ये हमारे सामने खड़ा है वी वेरिएंट जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ इस टाइप से 17 इंच के डायमंड कट के अलॉय व्हील मिलेंगी और टायर की साइज़ है 215R65 17 इंच और ये आप देख सकते हैं सामने स्लुक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे और हेडलैम्प के अराउंड आपको क्रोम का पार्ट मिलेगा और ट्विन में आपको DRL मिलेगी और DRL ही आपके इंडिकेटर का काम करेगी जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से काफ़ी ब्राइट है DRLs भी। सामने टोयोटा का लोगो है। 1795 mm की इस गाड़ी की विड्थ है जो कि क्रेटा से 5 mm ज़्यादा है और 210 mm का इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी क्रेटा से ज़्यादा है और ये गाड़ी कॉम्पीट करती है हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस और स्कोडा की कुसेक और वॉल्सवैगन की टाइगुन के साथ में और ये सब 4 मीटर से लंबी है। ये गाड़ी आपने पहले जो देखी होगी अर्बन क्रूजर हाइराइडर ये वो नहीं है, वो ब्रेजा थी मारुति की पहले वाली, ये पुरानी वाली हाइराइडर से बिल्कुल चेंज है, एकदम नई गाड़ी है और आप सामने से देख सकते हैं लुकिंग। नीचे रेडिएटर दिया गया है और हेडलैम्प आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट लाइट है और वाइट लाइट है जो कि आप देख सकते हैं। फॉग लैम्प इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको और सिल्वर कलर में आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं और लोगो के अराउंड आपको क्रोम मिलेगा और ये आप देख सकते हैं बड़ी सी विंडशील्ड दी गई है और काफ़ी बड़ा इस गाड़ी का बोनट दिखता है आपको और ये आप देख सकते हैं DRL आपके इंडिकेटर का काम कर रहे हैं जो कि जलते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। अलॉय व्हील इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, डायमंड कट के हैं 17 इंच के और आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलेगी और ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स गाड़ी में आपको मिल जाते हैं और ओवरऑल आप देख सकते हैं सामने से लुक और काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की लुकिंग है। लुकिंग वाइज ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। ये इस गाड़ी का ब्लैक एंड रेड कलर है जो कि डुअल टोन है, सिंगल कलर में इस गाड़ी को आप ले सकते हैं और ओवरऑल आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लुक या आप साइड से लुक देख सकते हैं। अलॉय व्हील काफ़ी अच्छे हैं या आउटसाइड मिरर आप देख सकते हैं और क्रोम का यूज़ है डोर पे और आउटसाइड मिरर के नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा आपको पैसेंजर साइड और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लेंथ है 4365 mm की जो कि क्रेटा से ज़्यादा है 65 mm और पीछे आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक दी गई है और ये रेड एंड ब्लैक कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इस गाड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है। LED में आपको टेल लैंप मिलेंगे जो कि जलते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं आप देख सकते हैं और टोयोटा का लोगो है। रियर में आपको वाइपर, वॉशर, डीफॉगर और शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं और ब्लैक कलर की रूफ काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, अर्बन क्रूजर हाइराइडर लिखा गया है और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है और वी वेरिएंट है जिसकी बैजिंग आपको मिलेगी पीछे। टेल लैम्प जलते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं जो कि आप देख सकते हैं और ये इस गाड़ी के टेल लैम्प बंद हो गए हैं। अभी भी इस गाड़ी की लुकिंग काफ़ी अच्छी है और बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको नियो ड्राइव मॉडल में ज़्यादा मिलेगी बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में बूट में बैटरी लगी हुई है जिससे बूट स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि 4 बैग आप आराम से रख सकते हैं जो कि अभी रखे हुए हैं आप देख सकते हैं और नीचे आपको बैटरी मिलेगी जिससे इसका पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ है आप देख सकते हैं नीचे से और स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलेगा गाड़ी के नीचे जैसे कि फॉर्च्यूनर में आता है उस टाइप से, जिससे कि बूट स्पेस और इंक्रीज हो जाती है और बूट को आपको हाथ से ही क्लोज करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। और बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है और पीछे कैमरा भी दिया गया है, सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और लुक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की लुक है और पीछे भी क्रोम का यूज़ किया गया है और आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको लुक मिलेगी और साइड से मैं आपको दिखा देता हूं और काफ़ी अभी भीड़ है बिकॉज ये गाड़ी अभी लॉन्च हुई है और आप देख सकते हैं अगेन अलॉय व्हील काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इंटीरियर की बात करें तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बाहर डोर पे और आप देख सकते हैं डोर में आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल, आउटसाइड मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं और स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं जैसे नई वाली ब्रेजा माता है उस टाइप का या फिर ग्लेंजा या बलेनो माता है उस टाइप का स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। टोयोटा का लोगो है। 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल
और वॉइस कमांड के कंट्रोल आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाते हैं। और ये है 9 इंच का टच स्क्रीन जो कि ब्रेजा में आता है, वो वाला ही दिया गया है। और इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा आपको डिजिटल मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में, ये वाला थोड़ा बड़ा है और नॉर्मल मॉडल न्यू ड्राइव में थोड़ा छोटा आएगा। और आप देख सकते हैं डिजिटली स्पीडोमीटर दिया गया है, इसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिलेंगे। और आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील लेदर टाइप मिलेगा आपको और फील काफ़ी अच्छी है स्टीयरिंग व्हील की। पुश बटन अच्छा स्टॉप दिया गया है जो कि थोड़ा सा ब्लू कलर में है जो कि दिखाता है कि यह गाड़ी हाइब्रिड है। और HUD मिल जाती है आपको, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको। और ओवरऑल आप देख सकते हैं इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में काफ़ी अच्छा है। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है इसलिए आपको शो हो रहा है, PD सब आपको शो होंगे इस गाड़ी में, ड्राइव मोड्स और इको और EV और स्पोर्ट मोड इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं अगेन मैंने इस गाड़ी का इंजन ऑन किया है, काफ़ी साइलेंट है इस गाड़ी का इंजन, अभी इसकी HUD नहीं चल रही है। और ये 9 इंच की स्क्रीन है, इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले चला सकते हैं वायरलेसली। और 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC दिया गया है और वायरलेस चार्जर है नीचे। और ये CVT में मिलेगी आपको ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और ये आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स दी गई है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में आएगी, नॉर्मल मॉडल में नहीं आएगी। और कुछ इस टाइप से आपको की मिलेगी जो कि आप देख सकते हैं स्मार्ट की दी गई है, जैसे कि मारुति की कार में आती है। यह कार मारुति एंड टोयोटा ने मिलकर बनाई है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको डोर पे कंट्रोल मिलेंगे। और क्रेटा से बड़ी सनरूफ मिल जाती है पैनोरामिक जो कि आप देख सकते हैं, ये सनरूफ क्रेटा से बड़ी है। वन टच में आप इस सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं, काफ़ी वाइड ओपन होती है जो कि आप देख सकते हैं। और वन टच में आप क्लोज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी बड़ी सनरूफ है। और येल्लो लाइट मिलेगी आपको और ये आप देख सकते हैं सनराइजर्स लाइट के साथ दिए गए हैं। और ये देख सकते हैं पैसेंजर साइड भी दिए गए हैं मिरर के साथ में। और इस टाइप से आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, अगेन आपके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। और सनग्लास होल्डर दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक IRVM मिलेगा। और इंटीरियर में ब्लैक एंड ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है। ये है 360 डिग्री कैमरा जो कि आपको व्यू बताएगा बाहर का। डिसेंट क्वालिटी है इस कैमरा की, हालांकि अच्छा फीचर्स है। और ये आप देख सकते हैं मोड्स, आप देख सकते हैं आगे पीछे आगे का व्यू देख सकते हैं। और ओवरऑल आप देख सकते हैं डिसेंट क्वालिटी के साथ में ये आता है। और आप देख सकते हैं ग्लो बॉक्स दिया गया है नॉर्मली, ब्राउनिश कलर का यूज़ है इंटीरियर में। 6 एयरबैग है इस मॉडल में। और ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट के सॉकेट दिए गए हैं, ऑटोमेटिक AC है। और इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का जो कि आप देख सकते हैं। अब ऊपर से सनरूफ दिखा देता हूं मैं, कितनी बड़ी है ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली में आपको पता चलेगा बाहर से कि कितनी बड़ी सनरूफ है, ये आप देख सकते हैं 2 से 3 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं, हालांकि खड़ी गाड़ी में खड़ा होना सही है। और ये आप देख सकते हैं बाहर से इस गाड़ी की लुकिंग। और अगेन पीछे से मैं आपको इस गाड़ी की लुक दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की लुक है। और ये अगेन इंटीरियर है, आप देख सकते हैं ब्लैक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको। और कुछ फीचर्स नियो ड्राइव में घट जाएंगे जो कि आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में मिलेंगे, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स हो गई और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा बड़ा मिलेगा हाइब्रिड मॉडल में। और बाकी वायरलेस चार्जर तो आपको नियो ड्राइव में भी मिल जाएगा और वो आप ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के साथ में ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी स्पेसियस ये गाड़ी है जो कि आप देख सकते हैं। और इस टाइप से आपको लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिलेगा। और इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, टोयोटा का लोगो, बटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं टिल्ट वे में। और सीट्स आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है और लेदर का यूज़ किया गया है सीट्स में भी कहीं कहीं इंसर्ट्स। और रियर स्पेस की बात करें तो रियर में भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो कि आप देख सकते हैं, मैंने दरवाज़ा बंद किया है, काफ़ी हैवी फील होती है बिल्ड क्वालिटी। और आउटसाइड मिरर आप देख सकते हैं डिसेंट साइज के हैं आउटसाइड मिरर। 2600 mm का इस गाड़ी का व्हील बेस है और 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा आपको। और आप देख सकते हैं क्रोम का यूज़ किया गया है विंडो के अराउंड। और कुछ इस टाइप से आपको लुक मिलेगी साइड से। और रियर स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की रियर स्पेस है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको डोर मिलेगा ब्राउन एंड ब्लैक में। और सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई है, ब्लैक कलर की सीट्स है। और बीच में AC वेंट्स दिए गए हैं,
टाइप सी एंड टाइप ए चार्जिंग दी गई है और आप देख सकते हैं तीन लोग कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। हालांकि बीच वाले को थोड़े से पांव रखने में दिक्कत होगी, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप सनरूफ देख सकते हैं पीछे से, काफ़ी वाइड सनरूफ है जो कि आप देख सकते हैं, और ये सीट्स अभी काफ़ी पीछे की हुई है। और ये आप देख सकते हैं आपको चार्जिंग की सुविधा दी गई है। और इंजन की बात करें तो टू इंजन मिलेंगे आपको। पहला है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि मारुति का इंजन है, जो कि देगा आपको 103 bhp की पावर और 136 nm का टॉर्क। और कंपनी क्लेम कर रही है मैनुअल में आपको 20 से 21 तक की माइलेज दे देगा। और दूसरा इंजन है टोयोटा का जो कि है 1.5 लीटर का इंजन जो कि आपको देगा 92 bhp की पावर, और अगर आप इसे खाली पेट्रोल पर चलाते हैं तो 92 bhp की पावर देगा, और पेट्रोल एंड बैटरी के साथ में चलाते हैं तो आपको 115 bhp की पावर देगा जो कि आप देख सकते हैं, और 27 किलोमीटर की आप माइलेज निकाल सकते हैं बैटरी एंड इंजन के पावर से मिला के। और बैटरी अगर आपकी फुल चार्ज है तो 25 किलोमीटर तक आप 40 की स्पीड में इस गाड़ी को चला सकते हैं। और सामने से आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की लुकिंग है। DRL जलते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और आप देख सकते हैं सामने से लुक इस गाड़ी में। कलर की बात करें तो काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं जो कि सिंगल एंड डुअल टोन में आप इसको ले सकते हैं। और ये है रेड एंड ब्लैक का डुअल टोन, व्हाइट एंड ब्लैक में भी आप ले सकते हैं डुअल टोन में, सिल्वर एंड ब्लैक में भी ले सकते हैं। सिंगल कलर ऑप्शन की बात करें तो व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लैक एंड ब्लू कलर में आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लुकिंग, अगेन मैं आप बता देता हूँ काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की लुक है। जब आप इसको अपनी आंखों से देखोगे तो और भी अच्छी लगेगी। ये हेडलैम्प जल गए हैं इसके, हालांकि इसमें फॉग लैम्प नहीं दिए गए हैं। हालांकि हेडलैम्प की प्लेसिंग थोड़ी सी नीचे है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं ओवरऑल लुकिंग इस गाड़ी में। हाइब्रिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको तीन मॉडल आएंगे, S, G एंड V। ये अभी V मॉडल है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। और न्यू ड्राइव की बात करें तो चार मॉडल आएंगे जो कि है E, S, G एंड V। अगर नॉर्मली पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो गाड़ी आपको 15 से 16 लाख के अराउंड जाएगी, हालांकि प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, अभी अनाउंस नहीं हुई है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरियंट की बात करें तो 22 लाख तक की एक्सपेक्ट की जा रही है टॉप मॉडल V की प्राइस जो कि हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, और बूट स्पेस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। चार बड़े बैग्स आप रख सकते हैं आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और लॉन्ग ड्राइव में भी ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी आसानी रहेगी इस गाड़ी को ड्राइव करने में। नीचे से आप देख सकते हैं स्टेप नहीं दी गई है नीचे। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में आपको 177.6 वॉट की बैटरी मिलेगी, और इस बैटरी पर टोयोटा आपको 1 लाख और 3 साल किलोमीटर की वारंटी देगा। कैसी लगी आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की वीडियो, लाइक ज़रूर कर दे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।